नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एम्पावरिंग एंड लिमिटिंग बिलीव्स की। इफ यू थिंक यू कैन डू दिस और यू थिंक यू कांट डू दिस, आप सही सोचते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारी सोच से ही तो शुरू होती है। एक बार एक बेबी एलिफेंट को ज़ू में लाया गया और ट्रेनर ने उसका पैर एक रस्सी से बांध दिया। बेबी एलिफेंट पूरे दिन कोशिश करता रहा खुद को उस रस्सी से छुड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। बेबी एलिफेंट हर रोज़ कोशिश करता रहा कि वो किसी ना किसी तरीके से खुद को उस रस्सी से छुड़ा पाए, और एक दिन उसने ट्राई करना छोड़ दिया, क्योंकि उस दिन उसका बिलीव सिस्टम बन चुका था कि वो कभी भी इस रस्सी से खुद को नहीं छुड़ा पाएगा। सालों बाद जब एलिफेंट बड़ा हुआ, तब भी उसका मास्टर उसे रस्सी से ही बांध कर रखता था, बिकॉज एलिफेंट लेफ्ट ऑल हिज फेथ एंड होप्स दैट ही कैन बी फ्री वन डे। उसका बिलीव सिस्टम बन चुका था, वो अपने ट्रू पोटेंशियल से अनअवेयर था। आपको क्या लगता है, क्या एलिफेंट अगर कोशिश करे तो क्या वो एक हिट में उस रोप बॉन्डेज को तोड़ नहीं सकता? Now, the lesson of the story. Number one, be aware and check your thoughts if you are also going through such phase in your life. Have you also created a limiting belief in your mind which is stopping you to break through and live your life the way you want? Number two, take action. Try again. Maybe आपने पिछले समय में कुछ ऐसा try किया हो जो कि पूरा नहीं हुआ हो, but this is the time, check your thoughts, become aware and try again. Maybe you have more potential now to break that bondage. Number three, consistency. कोई भी belief एक दिन में नहीं बनता, you need to keep on repeating it, practice it. If you find this video useful, share it with your nears and dear ones. And remember, live mindfully.